कृष्णा कॉलोनी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि हम लोग आज अभी आए हुए हैं कृष्णा मंदिर, आप कब आ जाएंगे आप काम से 30-40 किलोमीटर है कृष्णा मंदिर, तो वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। हमारे साथ काफ़ी दोस्त भी है। नाम है आपका? मेरा नाम भाग चंद मंडी है। अच्छा, कहाँ पे आए हुए अभी हम? अभी कृष्णा मंदिर सादकाबाद आए हुए हैं और आगे हम हंगलाज माता की यात्रा के लिए जा रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। हेलो भाई, क्या हाल है? ठीक भाई, आप कैसे? ठीक है, ठीक ठाक। ये हमारी बस है और इस बस के ज़रिए से हम लोग जा रहे हैं। ये हमारे जो चीफ ऑर्गेनाइज़र है, कैसे हैं जमा जी? बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक। ठीक है, ये हमारे सेवा कर रहे हैं। सही, ये हमारे ऑर्गेनाइज़र है जो हमें यात्रा पर लेके जा रहे हैं जी। ये मंदिर की गली में हम एंटर होने वाले हैं जी। हम लोग मंदिर के करीब पहुंच गए हैं। ये जो गेट है ये मंदिर का हॉल है, कृपया के बाद हम लोग इसमें भी एंटर होंगे। ये छोटा सा हॉल है। ओ दोस्त, हाँ जी दोस्तों, हम लोग एंटर हो चुके हैं। ये जितने भी घर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे तकरीबन हिंदुओं के हैं। ये सारे नज़र आ रहे हैं दोस्तों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये जो है मंदिर का हाल है। ये है छोटा मंदिर, अब हम लोग इसके अंदर एंटर होने वाले हैं। ये शॉप जो है ये हिंदुओं की है। के शिवाधारी है। कैसे हैं? क्या नाम है आपका? ठीक है, ठीक ठाक। ये यहाँ के जो शिवाधारी है, राहुल जी, राहुल जी आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल जी पड़ियार, पिछला मगर सही। ये यहाँ के जो है ना शिवाधारी है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे शिवाधारी है। क्या नाम है? सुमार जी का। सुमार जी शिवाधारी, ये भी शिवाधारी है यहाँ से। जो है ना छोटा सा मंदिर है शिवलिंग, शंकर भगवान का मंदिर है छोटा सा, और यहाँ पे ये शिवलिंग है जहाँ पे पानी वगैरह डालते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। साइड जो हाल बाहर बड़े पता था ये कुछ छोटा सा एरिया है, ये यहाँ के बच्चे हैं। कैसे हैं भाई लोग?
ठीक है। अच्छा ये बच्चा है ना कुछ बना के बना रहा है, क्या नाम है आपका? कन्हैया। आपका? करण। करण आपका? ये यहीं के वासी है। अच्छा ये इंटर होने लगे हैं हॉल के अंदर, बहुत बड़ा हॉल है ये, छोटा सा मेन जो मंदिर के पास से हॉल रहता है। ये मंदिर वाली साइड से जो हाल बना हुआ है, ये है हाल कृष्णा मंदिर का, और ये काफ़ी अभी रिसेंटली बना है पीटीए की हुकूमत में। यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त भी साथ खड़े हैं। कैसे हैं भाई लोग? ठीक हो? ठीक ठाक। कहाँ जा रहे हो आप लोग? हिंदुराज माता के लिए। ये सारे जो दोस्त हैं ना हिंगलाज माता के लिए हमारे साथ जा रहे हैं। ये छोटा सा हॉल, छोटा तो नहीं कह सकते, काफ़ी बड़ा है। मंदिर के साथ ही बिल्कुल साथ ये लंगर हाल है, आप देख सकते हैं सारे लंगर ले रहे हैं। यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं इस मंदिर के, एक वो है कि यहाँ पे ना सबको ना लंगर के बगैर ना जाने नहीं देते हैं, तो चले हम भी लंगर लेते हैं। ये जो शेड बना हुआ है यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह, अक्सर जो यात्री आते हैं गाड़ियों के लिए रखा हुआ है, ये लंगर पक रहा है क्योंकि काफ़ी यात्री आते हैं यहाँ पे, जो भी यात्री आते हैं उनके लिए लंगर लाजमी पकते हैं। ये है मेरे मामू है। कैसे हैं मामू? ठीक हैं ठीक। ये जो है ना ये मेरे मामू रिश्ते में मामू होते हैं, और ये यहाँ के लंगर पकाने में सारा ये भी यही काम करते हैं। ये सारे यात्री लंगर ले रहे हैं। अभी हम साकाबाद कृष्णा मंदिर पहुँचे हैं, और हमारा ये जो लंगर हाल है ये उनका इंतजाम हो रहा है। रमेश जयपाल भीमा जी शाह इनके साथ हम बस में आए हैं और इस मंदिर पहुँचे हैं। मंदिर के पुजारी और अजान जी जो है उनसे बात करते हैं, इनका नाम क्या है और ये आपको हाल बात है। मेरा नाम संग्राम दास देवपाल और सनातन धर्म सेवक सभा के तंजीम के हम इंचार्ज और कृष्णा मंदिर के प्रधान जी हैं, और हम धन्यवाद कहते हैं रमेश जयपाल को और उनके साथ जितने भी यात्री आए हैं उनको, जिन्होंने आके भगवान के दर्शन किए और हमें सेवा का मौका दिया। यह हर साल हमेशा ही इस कृष्णा मंदिर पे 8 से 10 बसें यहाँ से यात्री गुजरते हैं और हिंगलाज माता पे जाते हैं, और धन्यवाद है कि हमें ये सेवा का मौका देते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। साइकिल को कितने साल हो गए? इस मंदिर को तकरीबन जो जन्माष्टमी मनाने का जो प्रोग्राम हुआ है वो तकरीबन अभी जो आएगा वो 30वां प्रोग्राम होगा, 29 हो चुके हैं। 29 प्रोग्राम हो चुके हैं। 29 प्रोग्राम हो चुके हैं, 30वां अभी आएगा, ये 9वें महीने की 7 तारीख को होगा। 20 साल गुजर गए जब पहला ये मेला हुआ, तो संग्राम दास साहब इधर रात पूरी सकती थी और आपके समझते ना दब होती है दबूप, उसमें हम बैठे थे और उनका चटाइयाँ थी, लेकिन भक्ति प्रोग्राम ऐसा पूरी रात जारी रहा कि वो आज तक हमें नहीं भूलता। 29 साल गुजर गए हैं, अब भी आप जब भी विजिट करें आपको भक्ति लाभ मिलेगा और सेवा का लंगर भी बेहतरीन हाल बना हुआ है। दर्शक चौहान एम बी ए साहब ने दिखाया तो ये भी छोटा सा लंगर हाल है, और मेले में आप ज़रूर पधारें, मेले में भक्ति प्रोग्राम होता है और भी साधु संत आते हैं और इधर काफ़ी लाभ मिलता है।
जी नाजरीन भगवान की जय हो। जी नाजरीन, ये थे प्रीतम दास बालाच और संग्राम दास। तो ये यहाँ के सेवादारी भी है, प्रीतम दास बालाच भी यहाँ के सेवादारी है। तो चले मिलते हैं। अच्छा संग्राम जी, यहाँ पे कितने घर बैठे हैं हिंदुओं के? यहाँ पे तकरीबन 1000 के लगभग लोग। 1000 के लगभग जी, ये जैसे आपने सुना है कि यहाँ पे 1000 के करीब है ना हिंदुओं के घर बैठे हैं। इस कानून की कॉलोनी का नाम क्या है यहाँ के? इसको पहले से तो इसका नाम था करीम टाउन। तो अब तो ये कृष्णा कॉलोनी नाम से है। ये कृष्णा कॉलोनी, क्योंकि यहाँ पे है ना ये कृष्णा मंदिर है, उस हिसाब से ना कि ये कृष्णा कॉलोनी है, क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं के काफी घर बैठे हैं। इस हिसाब से है ना सदकाबाद सिटी में तकरीबन 30,000 लोग।